मंगलवार को कलियर नहर किनारे इमाम साहब रोड पर जेसीबी से कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले परचून की दुकान निशाने पर आई, उसे ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद और भी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। लोगों का हुजूम रहा और कार्यवाही चलती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि पर किसी का भी कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और जो कब्जा है उसे तोड़ा जाएगा, और अगर उसके बाद भी कोई उस पर कब्जा करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दो टूक में कहा कि सरकारी जमीन खाली कर दो, नहीं तो हम खाली करवाना जानते हैं। रुड़की जेएम अभिनव शाह, एएसडीएम विजय नाथ शुक्ला, दरगाह प्रबंधक रजिया और सिंचाई विभाग के एसडीओ अनुज बंसल, अनिल निमेश, राजेंद्र सिंह मुकर्रम, अली मुनेश शर्मा, अजब सिंह, मनोज कुमार राजकुमार, राजेश चौहान, शेर सिंह, मनीष कुमार, लेखाकार शफीक अहमद, लेखपाल अनुज यादव, गोहर यादव, हिमांशु शर्मा, इंतखाब आलम, राव शारिक आदि शामिल रहे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।